करेले की कड़वाहट हो या खीरे की मिठास या फिर हो कद्दू की बात, इनकी खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूँ याशु गांधी। अपने आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कद्दू, करेला और खीरे से जुड़ी हुई। जायद के मौसम में इन फसलों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी देखभाल की ज़रूरत होती है, ये हम आपको अपने पिछले अंकों में बता चुके हैं। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियां अपने शबाब पर पहुंचेंगी, ये फसल कुछ अलग तरह की देखभाल और पानी की ज़रूरत भी इनकी बदल जाती है। इन सारे ही चीज़ों पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से धीमे धीमे गर्मियां बढ़ रही हैं, हम लोगों की ज़रूरतें बदल जाती हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, वैसा ही खेती के संदर्भ में भी होता है। अगर हम करेले से शुरुआत करें तो करेला जो है उसको कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, स्वाभाविक है कि एवापोरेशन, जल वाष्पन अधिक होता है, और जैसे ही मृदा से जल वाष्पन अधिक होगा वैसे ही मृदा जो है वो सूख जाएगी। जहाँ तक सब्जियों का, किसी भी सब्जी को आप ले लीजिए, अगर सब्जी फल आते समय अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो वो सब्जी जो है वो उसमें जो है कोमलता नहीं रहती है। इसलिए जो है जिस समय फूल आए, फूल आने से लेकर के और निरंतर जो हम फल तोड़ते रहते हैं उस पीरियड में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो जिस समय हम बोते हैं उस समय मौसम होता है फरवरी और मार्च का, उस समय हम ये कहते हैं कि 10 और 12 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहने। लेकिन अब चूंकि जैसे अप्रैल आ गया है और अप्रैल में जिन्होंने समय से बुवाई की है उनके फल अब इस समय लगने शुरू हो गए, प्रारंभ हो गए हैं, तो ऐसी दशा में हमको 4 या 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि अगर बहुत तेज़ धूप है, आम तौर पे जब हम पेड़ों की बात करते हैं या खेतों की बात करते हैं, तो उस वक्त भी पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर सांझ ढले, जिसे हम कहते हैं सूरज थोड़ा सा ढल गया, उस समय हम दे रहे हैं, सही समय क्या होता है? देखिए, अगर हमने ग्रह वाटिका बना रखी है जी, तो ग्रह वाटिका में तो हमको ये है कि हम सुबह को या शाम को पानी दें। गमलों में अगर हमने सब्जी उगा रखी है तो हम कहेंगे कि हमको फुब्बारे से सुबह शाम, लेकिन जब हम बड़े क्षेत्र में जब ये बात करते हैं तो हम प्रारंभ तो सुबह से ही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है 12 बज गया तो उसके बाद हम उसको बंद कर दें, उन्होंने कहा अब तो हम 4 बजे फिर, क्योंकि अगर हमारी निरंतर सिंचाई की नाली में पानी जा रहा है और अगर उसको हम रोक देंगे तो हमारे पानी का बहुत बड़ा हानि होगी, बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए जब हम सिंचाई प्रारंभ करते हैं तो वो सिंचाई हम सुबह से ही प्रारंभ करते हैं, ठंडे ठंडे में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हम कोशिश करते हैं कि हमारा दोपहर होते तक हमारी सिंचाई पूर्ण हो जाए। लेकिन यदि नहीं पूर्ण हुई है तो हम उसको रोकेंगे नहीं, उसको निरंतर करते ही रहेंगे। और जिस तरीके से हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, बूंद बूंद या टपक सिंचाई की हम बात करते हैं, तो गर्मियों के मौसम में वो कहीं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? देखिए, चाहे वो स्प्रिंकलर हो और चाहे ड्रिप इरिगेशन हो जी, सबसे ज़्यादा तो ये लाभप्रद वहाँ है जहाँ पर पानी की कमी है। जहाँ जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जो है पानी की कमी है, तो वहाँ पर हम लोग इस बात के लिए आवश्यक सलाह देते हैं कि या तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करें या ड्रिप इरिगेशन करें, ताकि पौधे की जड़ को पर्याप्त मात्रा में जो है नमी प्राप्त होती रहे और हमारा पानी भी जो है ज़्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन जहाँ पानी के पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद है वहाँ पर जो है वो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो हम जो हमने फसल बो रखी है वो हमने रिज पर बो रखी है जी, और उसके एक रिज से दूसरे रिज के बीच में हमारी जो है वो नाली बनी हुई है, तो उसमें अगर हम पानी देते हैं तो उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है हमें 5 या 6 दिन तक नमी बनी दिखाई देती रहती है। अच्छा, ये तो हुई पानी की बात, अगर हम उर्वरक की बात करें, खाद उर्वरक, वो भी मौसम के अनुसार बहुत सी चीज़ें उसमें भी बदलाव आता होगा। कद्दू कुल की जितनी भी सब्जियाँ हैं जी,
इनमें टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता तो होती नहीं है। इनमें हम जो सुझाव देते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश, ये तीन मुख्य तत्व हैं जिनको हम देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फेट और 50 किलो पोटाश की हम जो है संस्तुति करते हैं, तो उस समय हम ये बात कहते हैं कि इसको जो है वो आप बोने से पूर्व खेत में अच्छी तरीके से मिला दें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हुई सिंचाई और उर्वरक की बात। ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में खरपतवार से जुड़े हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बता दें। खरपतवार जो है वो जो मुख्य हमारी फसल है उसके आहार को ये खाते नष्ट करने के लिए हम अलग से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं कि हमारे खरपतवार हैं इनको भी भोजन दिया जाए। तो ऐसी दशा में हमारी मुख्य फसल का पोषक तत्वों को ये बर्बाद करते हैं। तो इसके लिए जो है जैसे ही हमारी फसल अंकुरित होकर के थोड़ी बड़ी होती है, 15-20 दिन की हो पाती है, वैसे ही हम जो है कद्दू कुल की सब्जियों में हम निराई और गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर हमने उसको रिज पर नहीं बोया है तो उस समय थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी हम जो है जड़ों के पास चढ़ा दें। वैसे जो वैज्ञानिक संस्कृति है जी, वो यही है कि आप रिज पर बोएं, और चूंकि इनके तने जो हैं वो ट्रेंडिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इसलिए विशेषकर बाड़ा बना करके और जो जाल बनाएंगे उस जाल पर इसको जो है हम चढ़ा दें। जमीन पर ये पड़े हुए ना रहे। कुकुरबिटा फैमिली की जो भी है, चाहे हम करेले की बात करें, कद्दू की बात करें, खीरे की बात करें, तीनों के लिए ये परम आवश्यक है। और अगर हमने किसी तरीके से पहले ही बोने से पहले अगर हमने पेंडा मैथिलीन का इस्तेमाल नहीं किया है जी खरपतवारों को रोकने के लिए, तो दो निराई गुड़ाई, पहली निराई गुड़ाई 15-20 दिन पर और दूसरी 40-45 दिन पर अवश्य कर देना चाहिए। यानी कि दो चरणों में निराई गुड़ाई करके इसे खरपतवार से इसको दूर किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेले से जुड़ी हुई बातें, साथ ही कद्दू और खीरे में भी इस मौसम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक। जब मौसम जो है हमारा नमी से भरा हुआ मौसम होता है या बादल हमारे हो जाते हैं, उस पीरियड में हमारे इसमें जो है कद्दू कुल की सब्जियों में बीमारियां बहुत लगती हैं। कौन कौन सी जो रोग और कीट है वो ज्यादा हावी होते हैं फसल में? कद्दू कुल की सब्जियों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा है वो रेड पंपकिन बीटल, जिसे कहते हैं लाल कीट। आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज बात हो रही है कुकुरबिटा फैमिली की। तीन फसलों की हम बात कर रहे हैं, करेला, कद्दू और खीरे से जुड़ी हुई। जैसे जैसे मौसम और ज़्यादा शुष्क हो रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, इन फसलों की जो ज़रूरत है वो मौसम के हिसाब से बदल रही है। क्या है वो ज़रूरतें और कैसे ख्याल रखा जाए अपने खेतों में इन लहलहाती फसलों का, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। डॉक्टर अवधेश शुक्ला हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि अगर हम करेले की बात करें तो सिंचाई की, खरपतवार की बात हुई, रोग और कीट किस तरीके से, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक अलग तरह की जो है वो परेशानियाँ होती हैं, फिर वो हम चाहे ह्यूमन बींग की बात करें, खेतों में फसलों की बात करें, कौन कौन सी जो रोग और कीट है वो ज़्यादा हावी होते हैं फसल में? ज़्यादा नमी में, जब मौसम जो है हमारा नमी से भरा हुआ मौसम होता है या बादल हमारे हो जाते हैं, उस पीरियड में हमारे इसमें जो है कद्दू कुल की सब्जियों में बीमारियां बहुत लगती हैं जी। और जब मौसम साफ रहता है तो बीमारी कम लगती है। क्योंकि ये विषाणु रोग होते हैं तो इनके लिए किसानों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप बीज बोएं, बीज पहले उपचारित करके ही बोएं जी। अगर आपने बीज थीरम, कैप्टान या बावस्टीन लेकर के उससे उपचारित करके बोया है तो ये बीमारियां कम लगेंगी। इसलिए अगर आपने उसको उपचारित नहीं किया है तो ऐसी दशा में जब ये बीमारियां आपकी खेत में दिखाई देती हैं
तो उस समय आपका उपचार करना आवश्यक है। तो सबसे भयंकर बीमारी जो है वो सबसे पहली बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी जैसे इसका नाम है, इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि इसका जो पाउडर होता है सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण सा होता है, ये पत्तियों पर जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है और धीरे 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 पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे उसका सिकुड़न आने लगती है और पौधे की वृद्धि जो है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए जो है कैराथान या बावस्टीन का 0.1% का घोल बना करके और छिड़कें। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि हमारी जो फसल है वो 55 से लेकर के 60 दिन के बाद फल देना शुरू कर देती है। तो ऐसी दशा में ये बीमारी जो है वो 55 से 60 दिन में जब तक हमारे फल नहीं आते हैं तब तक तो हमको इस दवाई को का इस्तेमाल करना आवश्यक है जी। और अगर हमारे फल लग जाते हैं तो उस समय हमें ये सोचना है कि इन फलों पर हमारे रसायनों का प्रभाव ना पड़े। तो ऐसी दशा में जो है हम बार बार इसीलिए रिकमेंडेशन देते हैं कि हम बीज उपचार करके बोएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे जो है पूसा ने जो है दो जातियाँ विशेषकर निकाली हैं, एक है पूसा विशेष और दूसरी है जो पूसा हाइब्रिड 1 पूसा हाइब्रिड 2। इन बीमारियों को विशेषकर जो है ये प्रतिरोधी हैं तो इनका इनकी उपज भी बहुत अधिक है। ये जो दो आप किस्म या प्रजाति बता रहे हैं पूसा संस्थान की तरफ से निकाली गई हैं, ये दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली हैं। तो अगली बार आप कद्दू कुल की या कुकुरबिटा फैमिली की इन तीनों में से या कोई भी ऐसी फसल को लेने की, उसके बीज को लेने की तैयारी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो किस्में ली जाएं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनमें हो, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान पहले ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बीमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी बिल्कुल जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है और इस ये भी जो है धीरे 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 जो है पत्तियों पर अपना असर दिखा करके और पेड़ को धीरे धीरे उस बर्बाद उसकी नष्ट करती है और बाद में पौधा बहुत कमज़ोर होकर के नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी जो है वो आपका डाइथेनियम 45, और अगर डाइथेनियम 45 आपको दवा किसी वजह से ना मिले तो उसके लिए दूसरी दवा है मेटालेक्सिल। इन दोनों दवाओं में से जो भी कोई दवाई मिल जाए उसको जो है 0.2% का घोल बना करके और हम इसको जो है इसका छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम फ्लैट नोजल जो नोजल है हमारे छिड़कने वाले यंत्र की जी। जिससे कि उसमें खूब फुहार सी बने, गैस सी बने, ऐस जो है हम उसका छिड़काव करें तो उससे जो है इसके विषाणु जो है नष्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कीट की। तो कद्दू कुल की सब्जियों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कीड़ा है वो रेड पंपकिन बीटल, जिसे कहते हैं लाल कीट। रंग से लाल होता ही है इसीलिए इसको लाल कीट कहते हैं। इसकी पीठ बिल्कुल ढोलक की तरह जो है, जैसे ढोलक जो है ऊंची होती है दोनों तरफ जो उसके वो बजाने वाले होते हैं, बीच में वो थोड़ी सी ऊंची होती है, इसी तरीके से ढालू होती है दोनों तरफ को। और ये जब हमारा पौधा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा हुआ यानी फूल के आने तक की स्टेज तक ये बहुत भयंकर तरीके से लगता है, अंकुरण से ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो करता क्या है कि ये पत्ती को खाना शुरू करता है। तो पत्ती के किसको खाता है? क्लोरोफिल को, हरे पदार्थ खाता है। नशे बिल्कुल वैसे ही जाल, जैसे मकड़ी जो है अपना जाला बनाती है, इस तरीके से पत्ती दिखाई देगी, उसमें हरा पदार्थ कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जाहिर सी बात, उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो हरापन भी खत्म हो जाएगा। हरापन जो है वो खत्म हो जाता है जी। और बिल्कुल वो जाली सी दिखाई देने लगती है, मकड़ी के जाले की तरह। तो इस तरीके से फिर जो है वो पौधा धीरे धीरे पत्तियां सूखती हैं, फिर पौधा सूख जाता है जी। बिल्कुल, ये आपने कीट की बात की, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोकूंगी, इस पर आगे और मैं पूछूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। दूसरा कीट जब लगता है जब फल आना शुरू हो जाते हैं, और वो है फल वाली मक्खी। चाहे वो खीरा हो, चाहे वो करेला हो और चाहे कद्दू हो, समान तरीके के ही उसमें जो है सिंचाई, समान तरीके से ही उसमें उर्वरकों की मात्रा,
समान तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण, तो इस तरीके से सभी क्रियाएं जो हैं वो कद्दू कुल में एक सी ही होती हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कुकरबिटा फैमिली की फसलों को लेकर कि गर्मी के मौसम में कौन कौन से कीट इसमें प्रभावी होते हैं। हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कीटों से जुड़ी हुई, डॉक्टर साहब आपने रेड पम्पकिन कीट की बता रहे थे बात, इसके अलावा और कौन कौन से कीट लगते हैं? दूसरा कीट जब लगता है जब फल आना शुरू हो जाते हैं और वो है फल वाली मक्खी जी। और ये करती क्या है, जब फल हमारा बनना शुरू हुआ और जब मुलायम अवस्था में ही होता है तो ये अपने अंडकोप के द्वारा छिलके के नीचे अंडे दे देती है और छिलके के नीचे अंडे देने के बाद इसमें से फिर अंडों से सूढ़ियाँ निकलती हैं और वो जो सूढ़ी है वो उसमें फल के भीतर जा करके और उसको खाना शुरू कर देती है। और इसकी पहचान ये है कि जहाँ पर ये अंडा देती है उस छिलके में वहीं पर एक भूरा सा निशान बन जाता है और वहीं से ये जो है, अगर हम उस फल को काटें तो आप देखेंगे कि ऊपर से काटने पर भीतर तक वो जो है गंध सी आती है और उसको वो अच्छी तरीके से वो धीरे धीरे खाना प्रारंभ कर देता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अगर फल आने लगे हैं जी, तो हम रसायनों का प्रयोग करें या ना करें? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस सब्जी के द्वारा हम जहर खा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ऐसी दशा में हमारा कहने का मतलब ये है कि वो दवाइयाँ प्रयोग करें कि जो हमारे लिए हानिकारक ना हो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया दवा है निवौली अर्क, मतलब जो नीम की निवौली होती है उसका अर्क निकाल लिया जाता है और उसका 5% का घोल बना करके और जो है उस पर अच्छी तरीके से छिड़क दें। अगर हमको निवौली अर्क नहीं मिलता है तो हम सीधा सीधा निवौली लेकर के उसको सुखा लें और सुखा करके पीस करके उसका पाउडर बना लें। 40 ग्राम निवौली का जो पाउडर है उसको 1 लीटर पानी में घोलें और 1 लीटर पानी में घोलने के बाद उसका अगर हम छिड़काव करेंगे तब भी हम जो है इसका निदान कर लेंगे। अब जहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में हमने सब्जी उगा रखी है, अब हमारे पास ना तो निवौली का अर्क है और ना निवौली है, तो ऐसी दशा में जो है हम ये कहते हैं कि पहले तो जितने फल लगे हुए हैं उनको सबको आप तोड़ लीजिए और सारे फलों को तोड़ने के बाद ये मान करके चलिए कि हमको अब 6-7 दिन तक फल नहीं तोड़ने हैं। तब हम क्या करेंगे कि मेलाथियन जो है उसको हम ले लेंगे 2 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से और उसका छिड़काव करेंगे तो उससे ये जो मक्खी मर जाएगी। ये तो आपने बताया कीटों के बारे में, करेले की हम बात कर रहे थे विस्तार से, हमने एक फसल को लिया क्योंकि जाहिर सी बात है एक कुल की है तो बाकी में भी रोग कीट सिंचाई खरपतवार एक जैसा सा होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बदलाव होता हो, अगर हम कद्दू की बात करते हैं खीरे की बात करते हैं तो वो मैं चाहूँगी कि आप कुछ पलों में समेट दें। देखिए सबसे पहले तो जो हम कहते हैं कद्दू कुल, तो कुल का मतलब ये होता है एक खानदान जी, यानी जो ब्लड है वो सबका ये मान करके चलते हैं कि ये ब्लड रिलेशन है। तो जब ब्लड रिलेशन है तो जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं होती हैं सब पर एक ही समान होती हैं, इसलिए चाहे वो खीरा हो चाहे वो करेला हो और चाहे कद्दू हो, समान तरीके के ही उसमें जो है सिंचाई, समान तरीके से ही उसमें उर्वरकों की मात्रा, समान तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण, उसका जो जाल हमने बनाया है जाल पर फैलाया है, तो इस तरीके से सभी क्रियाएं जो हैं वो कद्दू कुल में एक सी ही होती हैं। केवल अंतर इतना होता है कि जो हमारी उपज होती है उपज में हमारी प्रजाति का और फसल का उपज में अंतर आ जाता है। जैसे हम कहें कि अगर हमने करेला के लिए कहें कि कितनी उपज हो जाएगी तो हम ये कहेंगे 150 क्विंटल पर हेक्टर हमारी होगी, और जब हम कद्दू की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टर। तो उपज में भिन्नता आती है, बाकी जितनी भी क्रियाएं कर्षण क्रियाएं जितनी भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं वो सब कुछ बिल्कुल समान ही होती हैं, समान ही रोग लगते हैं, समान ही उनका निदान होता है,
समानी बीमारियां लगती हैं, उनका उसी तरीके से निदान होता है। अब एक बात मैं और किसानों के लिए मैं आगामी बात बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि ये कद्दू कुल की सब्जियां अब आप जून और जुलाई में भी बोएंगे, तो अगर आपको बहुत अच्छी उपज लेनी है तो जो खेत खाली हो गए हैं उनकी गर्मी की जुताई कर दें, ताकि इसमें जो कीट के लार्वा प्यूपा हैं वो नष्ट हो जाएंगे, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, और यदि आपके पास गोबर या कंपोस्ट की खाद नहीं है भविष्य में डालने के लिए, तो आप इस समय सनई या ढेंचा बो करके हरी खाद का प्रयोग करके मृदा के उर्वरा स्तर को बढ़ाएं। एक तरह से खेत को आगे की जो फसल है उसके लिए तैयार इस वक्त सही वक्त है, सही वक्त किया है। जा सकता है। ये तो आप कद्दू कुल की बात बता रहे थे कि एक कुल की जो सब्जियां होती हैं एक समान उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कर्षण क्रियाएं होती हैं, और हमारा हर अंक हर एपिसोड अलग अलग होता है, विषय अलग होता है, लेकिन एक चीज़ समान होती है कि वक्त की सीमाओं में बंधे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया और किसानों को लाभान्वित कराया, उसके लिए मैं आपका महान आभारी हूँ। चलिए इसी के साथ जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी बात, अपनी शिकायत या अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302 ए पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।